अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूसुफ सईद और मैं हेड ऑफ रिसर्च हूँ डार्सन सिक्योरिटीज में। आज के हम इस वीडियो में डॉलर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डॉलर जिस तरह हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से हम वॉलीटिलिटी डॉलर के अंदर देखते हुए आ रहे हैं, एक हाई पीक मार्केट डॉलर जो है वापस अपने लोअर रेट पर आया और फिर अब जो है वापस से ओपन मार्केट और इंटरबैंक दोनों में हम देख रहे हैं कि डॉलर वापस से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है और हमारी करेंसी जो है वीक हो रही है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार भट्ट साहब जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और हमारे PSX ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। तो शहरयार भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। शहरयार भट्ट साहब, आप क्योंकि मार्केट में पूरा दिन ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं, इसके अलावा आप डिफरेंट म्यूजिक्स के ऊपर नज़र भी रखते हैं, तो आप हमें बताएं कि डॉलर में जो हमने एक देखा कि डॉलर अपने पीक पे जाने के बाद इंटरबैंक के अंदर ओपन मार्केट के अंदर दोनों में एक वापस से जो है उसने बहुत बड़ी डिप ली और उसके बाद अब वापस से जो है उसमें हमें तेज़ी नज़र आई, खासतौर पर अगर इंटरबैंक की बात करें तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं, आपको क्या लगता है कि मार्केट में आप जो एक्सपर्ट से बात करते हैं या आपकी खुद की अपनी एनालिसिस क्या है इसके ऊपर? थैंक यू सो मच यूसुफ। जैसा कि आपको पता है कि US डॉलर ने हिस्टोरिकल हाई पिछले दिनों किया 240 रुपये का इंटरबैंक में, और उसके बाद जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में हम जाने लगे, हमें ग्रीन सिग्नल IMF 10 से मिला, तो उसके बाद डिक्लाइन साइड पे आया और 215 रुपये का लो हमने इसमें विटनेस किया। अब इसकी यहाँ से बढ़ने की मल्टीपल रीजन है, इसमें एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि हमने इम्पोर्ट कट की हुई थी। जैसा आपको पता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट मैनेज करने में कामयाब हो गई थी पिछले अगर 2 महीने की मैं बात करूँ तो। फिर उसके बाद जब हमने इम्पोर्ट, क्योंकि हम ज़्यादा अरसे रोक नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो दुनिया भर का हमारे प्रेशर है, तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट को दोबारा से अलाउ किया। फिर दूसरी चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा हमारे डॉलर स्मगल हो रहे हैं, तो अफगानिस्तान की तरफ कुछ डॉलर जा रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हैं, गवर्नमेंट को उस तरफ थोड़े से इकदाम करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ हमने हालिया दिनों में देखा कि UAE ने एक नई पाबंदियों लगाई हैं कि अगर जो भी ट्रैवल वीज़ा के ऊपर अगर आता है तो 5,000 दिरहम वो लेकर आएंगे पाकिस्तान से। तो ये एक कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से डॉलर बढ़ा। फिर हमने देखा कि टेक्निकली रीजंस भी थे, कुछ लेवल से यहाँ से टेक्निकल करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो एडजस्टमेंट यहाँ से हुई है और हम दोबारा से बढ़ता हुआ इसको देख रहे हैं। तो साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यूसुफ कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट पे इतना ज़्यादा फर्क है, हमने कल देखा कि तकरीबन 7 रुपये का फर्क है, आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजूहत है? अच्छा, जैसे आपने अभी बताया जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटर के दुबई ने जो एक न्यू जो है हमारे ऊपर जो है UAE ने कंडीशन लगाई कि जो भी पाकिस्तान से टूरिस्ट आता है उनके पास तकरीबन 5,000 धर्म जो इक्विवेलेंट में एयरपोर्ट पर शो करना। तो इसकी वजह से हुआ ये है कि हमारी जो ओपन मार्केट है उसका धर्म की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। रोज़ाना जो फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर उनका कहना है कि 41 फ्लाइट्स दुबई जाती हैं, और आप उससे अंदाज़ा लगा दें कि कितने पैसेंजर जो है हमारे दुबई जाते हैं, और अगर हर कोई जो है 5,000 धर्म जो है उसे कैरी करना है तो उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज हुई, डॉलर की शॉर्टेज इस तरह से हुई है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज थी ये धर्म या डिफरेंट करेंसीज लेके जाती थी बाहर और वहाँ से जो है डॉलर जो है खरीद के यहाँ पे एक्सपोर्ट करती थी। स्टेट बैंक ने इसकी परमिशन दी है, इसके पूरे रेगुलेशन है। तो जाहिर सी बात है जब धर्म की शॉर्टेज हुई है तो उसके साथ साथ जब जाहिर सी बात है डॉलर उस तरह एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा जिस तरह पहले कुछ दिनों पहले तक हो रहा था, तो जिसकी वजह से डॉलर जो है वो शॉर्ट हो गया है इंटरबैंक में ओपन मार्केट के अंदर सॉरी। और उसके साथ साथ हम ये जो डिफरेंस देख रहे हैं इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि डॉलर एक्सपोर्ट ना होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर प्रेशर है और वो जो है उस डिमांड को या सप्लाई साइड पे जो इशू है उसको जो डिमांड मीट करने के लिए उन्हें जो है वो उसकी प्राइसेस जो बढ़ते हुए देख रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों हमने ये देखा था कि जब डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सारे सर जोड़ के बैठ गए थे, कुछ पॉलिसीज का उन्होंने अनाउंस किया, लाइक जैसे आपने इंपोर्ट कट की, फिर इसके अलावा स्टेट बैंक ने कुछ बहुत एग्रेसिव मेजर्स लिए। तो अब क्या आपको लग रहा है, क्या हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या स्टेट बैंक को करना चाहिए कि क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि डॉलर यहाँ से ज़्यादा ना बढ़े? देखिए, एक तो जैसे बात हुई कि हमारी इंपोर्ट्स को हमें कटेल करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ड्यूटी वगैरह साइन है, तो हम इतने ज़्यादा उसमें हम ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा के कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इन्फ्लोस आना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह जब 29 फरवरी को IMF हमें अप्रूवल दे देगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि विदिन उसके आफ्टर एक वीक के अंदर अंदर हमारे पास जो IMF से पैसे आ जाएंगे, उसके साथ साथ हमें एशियन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक या डिफरेंट जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी जो है हमें पैसे देंगे, तो हम पॉसिबली देख सकते हैं कि यहाँ से डॉलर की जो वैल्यू है वो हमें जो है वो गिरती भी नजर आएगी। तो पॉसिबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो है देखेंगे कि रुपया जो है वो वापस स्ट्रांग होगा, डॉलर थोड़ा सा वीक होगा आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए हमें अपनी जो जाहिर से बात है अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं करके रखते तो फिर वापस से जो है हम इसमें जो है वापस से देखेंगे कि हमारी करेंसी फर्दर और वीक हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच यूसुफ सईद, हमारे साथ मौजूद थे
और इनका यही कहना है कि यूएस डॉलर जो बढ़ रहा है, हमने डिस्कस की इस बात के ऊपर कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से डॉलर इतना बढ़ रहा है, तो साथ साथ इनका कहना था कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कुछ मेजर्स भी ले रही है और जैसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो हम देखेंगे हमारी करेंसी एक जगह आकर स्टेबल हो जाएगी। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई हमारी वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्टर में जाकर आप कोई कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।